नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। जोरदार तालियों के साथ अजय जी भी हम सबके बीच उपस्थित हैं। आज अखिल भारतीय स्वच्छकार एसोसिएशन के स्थापना दिवस के अवसर पर इस प्रदेश सरकार के यशस्वी मंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, विकास निगम के आदरणीय अध्यक्ष श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, जिनका उद्बोधन अभी आप सुन रहे थे, ऐसे अखिल भारतीय स्वच्छता एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय श्यामलाल पुजारी जी, स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष आदरणीय शशि कुमार मिश्र जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिल्ली से आए बुलंदशहर के निवासी आदरणीय विजय जैनवाल जी, जगदीश अटल वाल्मीकि जी, जो संचालन कर रहे हैं हमारे छोटे भाई हमारे मित्र आदरणीय राम कुमार वाल्मीकि बागी जी, अमित चौधरी जी प्रदेश महासचिव है हमारे मित्र हैं, श्री ब्रजेश पुजारी जी लखनऊ महानगर के अध्यक्ष हैं, और सभी हमारे मंच पर उपस्थित नेतागण राजू वाल्मीकि जी, उपस्थित सभी हमारे नेतागण भाइयों तथा बहनों, अखिल भारतीय स्वच्छता एसोसिएशन अपने संगठनात्मक ढांचे के बदौलत जो देश में हमारे स्वच्छता भाई हैं, उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को, उनके दुखों को उठाने का हर मंच पर प्रयास करती है। आप सोचिए, जब हमारे मन में इस संगठन का नाम आता है तो ऐसे लोगों के समूह के बारे में हमारे मन में चिंतन आता है कि हमारे मोहल्ले की सफाई, घरों की सफाई, आदरणीय संतोष वाल्मीकि जी हमारे मित्र हैं, वो भी आए, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज राजधानी में अखिल भारतीय स्वच्छकार एसोसिएशन का स्थापना दिवस मनाया गया, जहाँ पर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। अखिल भारतीय स्वच्छकार एसोसिएशन ने 15 सूत्रीय ज्ञापन थे कानून मंत्री ब्रजेश पाठक से कि इन मांगों को लेकर उनका क्या कहना है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे प्रदेश के स्वच्छकार पदाधिकारी यहाँ जुटे हैं और पूरे देश के पदाधिकारी भी आए हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इनका मांग पत्र मुझे मिला है। मैं इनके साथ हूं, इनके परिवार का मेंबर हूं और इनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। करते हैं राम कुमार बागी जी से, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। आइए बात करें। जी सर जी, मेरा नाम राम कुमार वाल्मीकि, मुझे प्यार से हमारे सफाई बंधु जितने भी शहर के हैं, प्रदेश के हैं, मुझे बागी के नाम से जानते हैं और मुझे बागी भी कहते हैं। मैं अखिल भारतीय स्वच्छकार एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूं और जब से मैंने अखिल भारतीय स्वच्छकार एसोसिएशन की कमान संभाली है, आदरणीय श्यामलाल पुजारी जी ने मुझे इस दायित्व से नवाजा है और मुझे इस दायित्व सौंपा है मुझे, जो तब से मैंने आज तक ये निष्ठापूर्वक सफाई कर्मचारियों के हितों में मैं लड़ाई लड़ता चला आ रहा हूँ। और मेरी ये कोशिश रहेगी, क्योंकि मैं भी उसी समाज से आता हूँ मैं, और जिस समाज में व्यक्ति पैदा हो और अगर अपने लोगों की आवाज़ ना उठा सके, उनके लिए बात ये ना कह सके, तो मैं समझता हूँ ये दुखदायी होता है। तो आज हम सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मैंने ये कार्यक्रम को संजोया और एक एक मोती को पिरो करके आज इस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रेस क्लब में ये अखिल भारतीय स्वच्छकार एसोसिएशन का स्थापना दिवस एवं स्वच्छकार प्रतिनिधि सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित हमने किया है। और इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के और देश के कई प्रांतों से हमारे सफाई मजदूर जो प्रतिनिधि करते हैं सफाई मजदूरों का, उन सबको हमने यहाँ पर आमंत्रित किया। और इसी कड़ी में हमने सरकार तक हमारी बात कैसे जाए, हमने ये पहल की। हमने उत्तर प्रदेश सरकार के न्यायप्रिय उप मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी तक हम अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए हमने विधि एवं न्याय मंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी को आमंत्रित किया और वो इस कार्यक्रम में आए और उन्हें हमने अपना मांग पत्र दिया है, क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन पत्र है। और इस कार्यक्रम में हमारे लालजी प्रसाद निर्मल
अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के चेयरमैन अध्यक्ष हैं, हमने उनको भी आमंत्रित किया और लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया जी को भी हमने आमंत्रित किया था इस कार्यक्रम में। किसी कारणवश वो नहीं यहाँ पर आ पाई, मगर फिर भी हमने अपना जो मांग पत्र तैयार किया है उसका हमारा और हमारे संघ का हमारे साथियों का ये उद्देश्य है कि निरंतर स्वच्छ भारत के नाम पर हमारे पूरे देश में सफाई कर्मचारी कोरोना काल में अपने परिवार की या अपने बच्चों की और अपने खुद की जान को जोखिम में डालकर इस देश के आम जनमानस की रक्षा करते चले आ रहे हैं अब तक के स्वच्छ भारत मिशन में भी। तो ऐसे सफाई कर्मचारियों को देश का जैसे सिपाही अगर बॉर्डर से अगर हट जाए तो हम समझते हैं कि दुश्मन हम पर हावी हो जाएगा, उसी तरह हमारे ये स्वच्छकार भाई आज पूरे देश में उस बॉर्डर के सैनिक की तरह पूरी मजबूती के साथ अगर आप ध्यान से देखें वो झाड़ू नहीं, वो देश के एक तरीके से मिसाइल है, बंदूक कह सकते हैं उसको, जो गंदगी को मिटाती है। उस बंदूक को लेकर, उस तोप को लेकर के हमारा सफाई कर्मचारी वर्ग आज पूरे देश व प्रदेश में आम जनमानस की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत है। मांगे हमारी 15 सूत्री है और उनमें से जैसे कि तमाम ऐसी उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों में जो है स्वीकृत पद हमारे पड़े हुए हैं सफाई कर्मचारियों की, उन पर भर्तियां नहीं हो रही हैं, तमाम पुराने संविदा सफाई कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है अब तक के, सेवानिवृत्त खाली पद पड़े हुए हैं। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सबसे अनमोल, मैं कह सकता हूँ ये जो उनका मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, उस मिशन को मजबूत हम कैसे कर पाएंगे जब हमारे देश का स्वच्छकार समाजी भूखा अगर आधे वेतन पर, अल्प वेतन पर अगर काम करेगा तो वो कैसे देश का विकास कर पाएगा, कैसे देश को स्वच्छ कर पाएगा, कैसे अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएगा, कैसे अपना आर्थिक विकास कर पाएगा, अपने बच्चों का शैक्षिक विकास कर पाएगा। तो मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने प्रयागराज में स्वच्छकारों के पैर पखार करके पूरे देश में व पूरे विश्व में ये संदेश दिया था कि स्वच्छकार समाज के लोग ही पूरे देश को सुरक्षा मुहैया कराते हैं। तो ऐसे लोगों का कुछ बड़ा उद्धार होगा और मैं अभी भी उम्मीद करता हूं उत्तर प्रदेश के न्यायप्रिय मुख्यमंत्री जी से और देश के प्रधानमंत्री जी से कि स्वच्छकार समाज की बेरोजगारी को दूर कर नई भर्तियां भी होंगी, संविदा कर्मचारी परमानेंट होंगे, कार्यदायी संस्थाएँ समाप्त होंगी, ये मेरा अपना आशय है। आज स्थापना दिवस है अखिल भारतीय स्वच्छकार एसोसिएशन का और स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्र एवं प्रदेश सरकार की तरफ से मैंने बताया है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो योजना दी घर घर शौचालय की, उससे इस देश में सैकड़ों सालों से चली आ रही जो हाथ से मैला उठाने की प्रथा थी उस पर पूर्ण विराम लग गया। हमने यह भी बताया कि जो केंद्र सरकार की आवास योजना है, जो उज्ज्वला योजना है, इन सबके सबसे बड़े लाभार्थी यदि हुए हैं तो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हुए हैं, क्योंकि उन्हीं के पास आवास नहीं था, उन्हीं के घरों में शौचालय नहीं था, उन्हीं के घरों में रसोई गैस नहीं था, उन्हीं के घरों में बिजली की रोशनी नहीं थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार दलितों के लिए, समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए काम कर रही है और निश्चित रूप से ये दोनों महानुभाव दलितों के मसीहा हैं, दलित मित्र हैं। आज अखिल भारतीय स्वच्छकार एसोसिएशन की ओर से स्वच्छकार एसोसिएशन के स्थापना दिवस पे स्वच्छकार पत्नी सम्मेलन का आयोजन किया गया। मैं इस संगठन का, अखिल भारतीय स्वच्छकार एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ श्यामलाल पुजारी, हमारे संचालक हैं राम कुमार बागी जी, झांसी से आए हैं प्रेम नारायण वाल्मीकि जी, बुलंदशहर से आए हैं ये हमारे महासचिव जी हैं विजय जैनवाल जी, पी के पथरौल जी हैं, बहुत सारे लोग आज यहाँ पत्नी सम्मेलन था। इस अवसर पर हमने न्याय एवं विधि मंत्री माननीय बृजेश पाठक जी को एक 15 सूत्रीय ज्ञापन दिया और डॉक्टर लालजी प्रसाद जी जो हमारे चेयरमैन हैं दलित वित्त विकास निगम के, उनको भी हमने 15 सूत्रीय ज्ञापन दिया है और वो उसमें मांग की गई है कि मुख्यमंत्री जी ने जो हम लोगों के लिए जो यहाँ प्रदेश में
सभी संवर्गों के पद रिक्त हैं उनको 6 माह में भरने के लिए कहा है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग सभी धन्यवाद करते हैं। और इस मौके पर हम लोग अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटे में से 50% आरक्षण जो है वर्गीकृत करा के हम लोगों को दिया जाए, ये हमारी मांग है। और समान कार्य का समान वेतन केंद्र सरकार के आदेशानुसार 24,000 वेतन, संविदा और सभी सफाई के श्रमिक जो हैं उनको जो है 24,000 रुपया वेतन दिया जाए। और जो प्रदेश भर में रिक्त पद हैं सफाई और सभी संवर्ग के, उनको जो है सीधे सरकार के द्वारा लगाया जाए नियमित पदों पर, जो नियमित पद रिक्त हैं उन पर नियमित पद पे उनको लगाया जाए। और ये आउटसोर्सिंग बंद की जाए, इससे जो है कर्मचारियों का शोषण होता है, कोई 5,000 देता है कोई 6,000 देता है, इससे जो है सीधे शोषण होता है, ठेकेदार करता है। और इस व्यवस्था को रोका जाए, इस महंगाई में जो है इससे जो है भला होने वाला नहीं। जो वेतन मिलता है अपने बच्चों कैसे पढ़ाएं, कैसे चिकित्सा सुविधा करें, कैसे दवा इलाज करें, कैसे जीवन पालन करें, तो एक बहुत बड़ी समस्या है। और इस प्रदेश में मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि जो बेरोजगार इधर उधर भटक रहे हैं, लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, कर्जदारी के शिकार हों, ये व्यवस्था रोकी जाए। इससे जो है प्रदेश सरकार का जो है छवि खराब होती है। मैं पुनः अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कुछ विचार करें गरीबों मजदूरों किसानों के ऊपर कि एक अच्छा उनका जीवन व्यतीत हो। विजय जैनवाल, अखिल भारतीय स्वच्छकार एसोसिएशन का राष्ट्रीय महासचिव, निवासी बुलंदशहर शिकारपुर से हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि हर स्वच्छकार का बच्चा शिक्षित हो, जो कि आज गवर्नमेंट का जियो जो कि 308 रुपये का है, यहाँ लखनऊ में नहीं मिल रहा, मुझे सुन के बड़ा दुख हुआ है। जबकि जिलों में छोटे छोटे जिलों में छोटे छोटी नगर पंचायतों में ये लागू हुआ है 9,200 का। और दूसरा ये है कि आज हमारा अखिल भारतीय स्वच्छकार एसोसिएशन वाल्मीकि समाज को शिक्षा की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है। जो भी बच्चा IAS या IPS या डॉक्टर्स या इंजीनियर की पढ़ाई करे, उसका बहन एसोसिएशन खर्चा करेगी। और वो बच्चा कामयाब होकर अगर वाल्मीकि समाज का नाम रोशन करेगा तो उसका जो भी खर्चा यूनिवर्सिटी का होगा वो अखिल भारतीय स्वच्छकार एसोसिएशन देगा। इसीलिए मैं आपको जय हिंद जय भारत बोलता हूँ। और बाबा साहब भीमराव का मैं बोलता हूँ सभी से कि जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरकारी कार्यालयों में लगवाया है वो चित्र, तो हर दलित और हर भारतवासी, दलित ही नहीं पूरे भारतवासी अपने घर में बाबा साहब का चित्र लगाएं, इसी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आज के समय। हमारा नाम है राम मिलन कन्होजिया, राजा इस्टेट महमूदाबाद जनपद सीतापुर पोस्ट या ग्राम संत गाडगे नगर बाबूपुर। स्वच्छता के जनक संत गाडगे महाराज, शिक्षा के जनक संत गाडगे महाराज, जो स्वच्छता का मिशन है संत गाडगे बाबा ने चलाया था, कि कहा था शिक्षा और स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। गांव गांव जाके वो गांव साफ करते थे नाला कूचे, और फिर कहते थे उन्हीं लोगों को धन्यवाद देते थे कि संत गाडगे बाबा ने आपका गांव साफ कर दिया है। और संत गाडगे बाबा कहते थे कि टूटे फूटे मकान में रहो लेकिन बच्चों को शिक्षित रखो, टूटे फूटे मकान में रहो बच्चों को शिक्षा बिगड़ ना रखो, और कपड़े छोटे मोटे पहन लो, मकान टूटा फूटा हो बच्चों के लिए कम दाम के कपड़े खरीदो लेकिन बच्चों को शिक्षा अगर ना रखो। संत गाडगे बाबा जो थे वो शिक्षा का स्वच्छता का पूरा मिशन चलाया था। संत गाडगे बाबा महाराष्ट्र के रहने वाले थे, उन्होंने शिक्षा पे और स्वच्छता पे गांव गांव जाके काम किया, और कहते थे शिक्षा ही बहुत बड़ी चीज़ है, अगर शिक्षा है तो तुम्हारा समाज आप ही खुद जाग जाएगा, शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है। यही बात अंबेडकर जी कहते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यही बात संत गाडगे बाबा कहते थे। संत गाडगे बाबा वो व्यक्ति थे महाराष्ट्र के जो अंबेडकर जी को 1-1 रुपए भीख मांग के, संत गाडगे जी अंबेडकर जी को पढ़ने के लिए 2,00,000 रुपए दिया था। जब संत गाडगे अंबेडकर जी पढ़कर आए थे तो संत गाडगे जी ने पक्खरपुर का पूरा धर्मशाला उनको दान में दे दिया था कि आप इस पे अपना कार्यक्रम करिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संत गाडगे। तो जैसा कि आपने देखा
कि हमने यहाँ के पदाधिकारियों से बात की और जाना उनकी मांगों को लेकर, क्या समस्या है, वो क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी और योगी उनकी मांगों को।